नमस्कार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसका सबसे पहला जो कार्यक्रम शुरू होता है वो है नामांकन प्रक्रिया से। तो अगर हम बात करें मथुरा जिले की, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम चरण का मतदान जिन 15 जिलों में होना, उनमें मथुरा शामिल है। तो मथुरा में 14 जनवरी से और 21 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसी दौरान नामांकन की बिक्री होगी और नामांकन के लिए मथुरा कलेक्ट्रेट का स्थान है। यहाँ 5 विधानसभाओं के अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पूरी तैयारी हो गई है, चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरियर लगाए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए हैं, वीडियोग्राफी होगी और उद्घोषणाओं के लिए कोई भी संदेश मैसेज देने के लिए यहाँ साउंड सिस्टम लगा दिया गया है। पूरी तरह से तैयार है और जो विधानसभा क्रमांक है उसी के अनुसार यहाँ आवंटन किया गया है। विधानसभा सबसे पहली हमारे यहाँ मथुरा जनपद की है, 81 छाता। तो आप देख रहे हैं कि छाता का जो है वो मथुरा कलेक्ट्रेट में सबसे पहले जब घुसेंगे तो कंट्रोल रूम के बराबर में छाता का है और उसके बाद फिर 82 नंबर की माठ विधानसभा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो तीसरा जो कक्ष है वो माठ विधानसभा का है। फिर चौथी विधानसभा है 84 नंबर की गोवर्धन, और वो गोवर्धन विधानसभा का कक्ष है। और 85 नंबर की ये जो बलदेव विधानसभा है, आप देख रहे हैं इस बलदेव कक्ष संख्या 35 में है। और इसके अलावा जो मथुरा विधानसभा है और उसके लिए भी यहाँ एक अलग कक्ष बनाया गया है जिसके कक्ष संख्या 26 है। तो अलग अलग कक्ष में है, वहाँ उनके आरओ मौजूद रहेंगे, उनकी पूरी टीम रहेगी। प्रत्याशी यहाँ आएंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। समुचित प्रबंध किए गए, कमरे पूरी तरह से सैनिटाइज करके साफ स्वच्छ बना दिए गए हैं और यहाँ भीड़ को रोकने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग है। पहले ही गाइडलाइन है कि ज़्यादा भीड़ होगी नहीं, केवल प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति नामांकन के लिए आएंगे। और नामांकन का समय है वो 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान 14 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक नामांकन दाखिल होंगे। तो मथुरा कलेक्ट्रेट नामांकन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी अधिकारी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को संभाल कर इस जो नामांकन की प्रक्रिया है, चुनाव का सबसे पहला आज कार्य होता है, उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। हाँ, कल से नॉमिनेशन यहाँ शुरू होगा। कलेक्ट्रेट में 5 विधानसभाओं के लिए नामांकन की तैयारी लगभग हो चुकी है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे बाएं साइड में 3 कोर्ट हैं, इसमें 3 विधानसभाओं का, एक वहाँ पे सामने जो है वो कर्मचारी का जो हाल है उसमें, और एक ये SDM कोर्ट में जी। 5 जगहों पे जो है सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल नियंत्रित करने के लिए सारे इंतजाम जो भी प्राइमरली जो भी हो सकते हैं, पुलिस का इंतजाम, और वैसे भी आने की जो यहाँ पे जो इंटर करने का ये है कि उसमें 2 ही व्यक्ति ही आएंगे, पहले तो और ज़्यादा आते थे लेकिन इसमें जो 2 ही व्यक्ति का प्रोविजन है। उम्मीदवार के साथ कितने व्यक्ति आ सकते हैं नामांकन के द्वारा? अब ये तो आरओ से पूछिए, आरओ बताएंगे आपको ज़्यादा बात। सुरक्षा की दृष्टि से और क्या CCTV कैमरे लगाए गए हैं? हाँ, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, माइक लगाई गई है, लाइट की व्यवस्था कर की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है जी, सारी चीज़ें हैं ये सब जो है कराई गई। थैंक यू। देखो हमारे साथ रहे मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव और उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया है कि 5 विधानसभाओं के लिए नामांकन के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और उसको अंतिम रूप देने के लिए खुद सिटी मजिस्ट्रेट आए अपने अधीनस्थों के साथ और उन्होंने पूरा यहाँ अवलोकन किया, देखा सारी व्यवस्थाएँ जो हैं, चाहे CCTV कैमरे की हो, साउंड की हो, साफ सफाई की हो, सैनिटाइजेशन के लिए हो, हर तरह की व्यवस्थाएँ पूरी तरह से यहाँ दुरुस्त पाई गई है। उन्होंने कह दिया है कि नामांकन 5 विधानसभाओं के लिए 3 कक्ष जो है बिल्कुल लगातार बराबर में है, 82, 83 और 85 जो कि गोवर्धन है, माट है और बलदेव विधानसभा के हैं, और इसमें जो 84 विधानसभा मथुरा है उसके लिए अलग जो संघ में है वो अलग कक्ष बनाया गया है। हालांकि यहाँ जो एक क्रम में होना चाहिए था वहाँ नहीं है, 83 के बाद 85 बलदेव आ गया और मथुरा विधानसभा का अलग कक्ष बनाया गया और उसके बाद जो छाता का है वो भी एक अलग कक्ष है NIC के सामने। तो कुल मिलाकर 5 कक्ष पूरी तरह से तैयार है और 14 जनवरी को 11 बजे से यहाँ विधिवत रूप से नामांकन कार्य शुरू हो जाएगा जो कि 21 जनवरी तक लगातार चलेगा। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज़, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस आवर वेबसाइट www.g9.in।